और आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर द पास्ट 8 मंथ्स. और आज का जो ये कलेक्शन था, दिस वॉज मेड इन द लास्ट 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स एक्चुअली टू बी प्रिसाइज. कलेक्शन की खास बात ये थी कि इट वॉज ऑल हैंडमेड और मेड बाय द रेफ्यूजी. देर आर अबाउट 50,000 लिविंग इन कराची. मैंने सिर्फ एक 25 का ग्रुप हैंड पिक किया था जिनके साथ मैंने काम किया. और मेन चीज़ ऑफ द कलेक्शन वॉज कि आई केप्ट इन माइंड द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड द डिज़ाइन, बिकॉज आई फील दैट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फैशन. एथिकल फैशन इज़ अ बिग थिंग इन द नेक्स्ट ईयर. इट्स गोनो, यू नो, पीपल आर गोनो आस्क फॉर इट. इट्स गोनो, ऑलरेडी पीपल हैव बीन आस्किंग अस अबाउट द ज्वेलरी, अबाउट द क्राफ्ट. और इससे लोगों को जॉब देना, लोगों को सस्टेनेबल रखना, लोगों के स्पेशली रेफ्यूजीज़ को जो अपने घर बार छोड़ के मजबूर हुए पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में आने के लिए, आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू गिव बैक टू देम. बिकॉज आई जस्ट फील दैट दे ऑल्सो नीड अ लिविंग, दे ऑल्सो नीड अ लाइवलीहुड. एंड बाई डूइंग सो एंड बाई एवरीबडी बाइंग दिस क्राफ्ट, आई थिंक इट्स गोनो मेक देयर लाइफ बेटर. थैंक यू.